प्रफुल्ल जी आपका कैमरा, आप आइए लाइव स्वागत के लिए। मैं लाइव हूँ, मैं लाइव। अच्छा आपकी स्क्रीन मुझे दिख नहीं रही, ठीक है रेडी। मैं लाइव हूँ, बस ठीक है। जी नमस्कार। जी नमस्ते। ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य के इस संवाद के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी जो प्रतिभागी इस कार्यक्रम में हैं, पूरे देश भर से नहीं विश्व भर से भी जुड़े हुए हैं। लगभग 35 से 40 पोर्टल्स राष्ट्रीय विचारों से जुड़े हुए हमारे साथ इसमें काम कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं इस सारे अभियान में। आज जिस विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, हम सब लोग जानते हैं कि अभी कोरोना के इस युद्ध में भारत की एक नई कथा लिखी जा रही है और उस कथा के कथा में एक और एक कथा लिखी जा रही है, वो उत्तर प्रदेश की है और उत्तर प्रदेश के यशस्वी अभियान की है। एक ऐसी कहानी की है जो जिसमें एक सरकार जो सक्रिय है और समाज के संवेदनशीलता के साथ इश्यूज को डील कर रही है, जहां पे सख्ती जरूरी है वहां पे सख्ती भी कर रही है और दावे के साथ लाखों मजदूरों के वापस लाने का एक तरह से हिम्मत भी दिखाती है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे आयाम हैं। मैं प्रफुल्ल केतकर एडिटर हूं ऑर्गेनाइजर का और मेरे सहयोगी मेरे साथ पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर जी है। अंग्रेजी के पत्रकारों की विशेष आपके संबंध में रुचि होती है और मैं जानता हूं कि वो बहुत सारी सच्ची कहानी बताने की हिम्मत नहीं रखते, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस बार क्योंकि विश्व भर के बहुत सारे पोर्टल्स पर भी इसको लाइव किया जा रहा है तो आप इस बहाने इस तैयारी की उत्तर प्रदेश की आवाज क्यों बाधित हो गई। प्रफुल्ल जी के वॉइस में मुझे लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत आई है। हितेश शंकर संपादक पांचजन्य, मैं अभिनंदन करता हुआ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश इस मीडिया मंथन में सभी प्रमुख पत्रकारों के साथ मैं एक आपसे आग्रह करूंगा कि ये जो विकट परिस्थिति में एक नई तरह की लड़ाई हमारे सामने आई थी, उत्तर प्रदेश ने कैसे इस मोर्चे पर कैसे उत्तर प्रदेश इस मोर्चे पर डटा है और क्या क्या काम हैं जो शायद नीचे तक सबको नहीं पता है। संक्षेप में पहले हम चाहेंगे कि आप उसको सारे को रखें, फिर पत्रकारों के बहुत सारे प्रश्न हैं आपके लिए, फिर हम वो प्रश्न लेना चाहेंगे। जी जी, हम यही चाहते हैं कि भाई आने वाले समय के लिए उत्तर प्रदेश कैसे तैयार हुआ है और इस सफलता के पीछे का एक राज क्या है, वो सब हम आपसे सुनना चाहेंगे, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद जी। प्रफुल्ल जी और हितेश जी, मैं आभारी हूं आप सबका कि आप सब आज मेरे साथ में इस वेबिनार के माध्यम से ही जुड़ रहे हैं। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया वर्तमान में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रही है और दुनिया के अंदर कोरोना का जो संकट है इसके प्रति
सबसे ज्यादा जो चैलेंज था वह भारत के सामने था, लेकिन समय से लिए गए दूरदर्शितापूर्ण और स्पष्ट फैसले के कारण आज भारत अपने आप को एक सुरक्षित स्थिति में पाता है। ये देश के एक सक्षम और सुदृढ़ नेतृत्व के कारण संभव हो पाया है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हमें कुछ सफलता प्राप्त हुई है तो मैं इसके लिए सचमुच इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को देता हूं, जिनका मार्गदर्शन और जिनकी प्रेरणा हमें हर तीसरे चौथे दिन किसी न किसी रूप में प्राप्त होती है और हम सबका एक बहुत बड़ा संबल बनता है। उत्तर प्रदेश की जब मैं बात करता हूं तो स्वाभाविक रूप से देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य और 23 से 24 करोड़ की आबादी हमारे राज्य में निवास करती है। मिक्स पॉपुलेशन यहां पर है, हमारी सीमा एक देश से मिलती है और 7 राज्यों से मिलती है। उत्तर में नेपाल उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है और एक बड़ी सीमा है जो खुली सीमा है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन राज्यों के साथ हमारी सीमा जुड़ती है। स्थिति उत्तर प्रदेश के लिए कोरोना की दृष्टि से और भी संवेदनशील था और आज भी हम उसको एक चैलेंज के रूप में लेते हैं और हम उसी के अनुसार अपनी कार्रवाई को आगे भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब योग्य और सक्षम मार्गदर्शक हों और कार्य करने की एक दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कठिन से कठिन चुनौती भी हमारे लिए कुछ नए अवसर लेकर के आती है और ये हमने कोरोना के समय देखा है। देखिए, जिन बातों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने मार्च के प्रथम सप्ताह में जो बातें कही थी, आज वो चीजें उसी रूप में आगे बढ़ती भी दिखाई दे रही हैं। मास गैदरिंग न हो, इसके बारे में होली मिलन के कार्यक्रमों को स्थगित करने से जो सिलसिला प्रारंभ हुआ वह आज भी आप देख सकते हैं कि जहां जहां लोगों ने इसका पालन किया वहां पर उसके उसी रूप में परिणाम भी सामने आए और हम लोगों ने भी अपनी कार्रवाई को वहीं से प्रारंभ किया था कि होली मिलन के कार्यक्रमों को पहले हम लोगों ने स्थगित किए। होली मिलन के कार्यक्रमों के बाद मैंने पहली बैठक कोरोना के तब तक हमारे राज्य में 2 मामले आ चुके थे तो मैंने 12 मार्च को पहली बैठक ली थी। 12 मार्च की एक बैठक में एक सामान्य निर्णय लेकर के कि हमें इसके बारे में कुछ करना है और 13-14 के बाद से हमने बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के अपने शैक्षणिक संस्थानों को पहले चरण में बंद किया। फिर 15 को मैंने टेक्निकल एजुकेशन को बंद करने का निर्णय लिया। इसके बाद फिर हम लोगों ने जो बड़े बड़े मॉल थे, पिक्चर हॉल थे, मल्टीप्लेक्स थे, इन सब को बंद करने का निर्णय लिया। इसी दौरान उत्तर प्रदेश में एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच भी प्रारंभ होने वाला था तो हम लोगों ने भी उनसे इस बारे में कहा कि मैच साफ करें लेकिन कोई दर्शक इसमें नहीं रहेगा। वे लोग सहमत हुए लेकिन बाद में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस मैच को भी स्थगित कर दिया था। ये कार्रवाई हमारी आगे बढ़ी। फिर 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का कार्यक्रम,
जनता कर्फ्यू के साथ ही हम लोगों ने 23 मार्च से 3 दिन के लिए पहले चरण में 16 जनपदों को लॉकडाउन के दायरे में लिया था और 25 मार्च से लॉकडाउन की कार्रवाई प्रारंभ ही जो अभी तक निरंतर चल रही है। उत्तर प्रदेश के सामने चैलेंज आए थे और प्रारंभ में ही चैलेंज, पहले जैसे लॉकडाउन प्रारंभ हुआ तो दिल्ली से काफी बड़ी मात्रा में प्रवासी कामगार और श्रमिक अचानक वहां से प्लान कर गए उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि अगर पूरब की तरफ देश की जाना हो तो उत्तर प्रदेश रास्ता बनता है, तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सभी राज्यों को जाने वाले, वेस्ट बंगाल को जाने वाले जितने भी कामगार और श्रमिक थे वे सभी लोग उत्तर प्रदेश के रास्ता उन्होंने देखना प्रारंभ किया। तो सबसे पहला चैलेंज हमारे सामने यहां पे खड़ा हुआ, अचानक एक दिन लाखों की संख्या में कामगार और श्रमिक सड़क पे आ गया, पैदल ही चलने लग गया। कुछ जगह ऐसे भी हुआ कि उन्हें ला ला करके पहले वहां पर अनाउंस किया गया, फिर वाहनों से ला करके उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे छोड़ा गया, लेकिन एक चैलेंज था। और मैंने भारत सरकार से इस संबंध में बातचीत की, उसके बाद मैंने अपने प्रदेश से लगभग 16,000 बसेज लगाई बॉर्डर पे और इन सबको 24 घंटे के अंदर इन्हें इनके गृह जनपद तक पहुंचाने और उनकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था वहां पर हम लोगों ने प्रारंभ कराई। इसके बाद हमारे सामने चैलेंज आया, मैं उस समय प्रदेश के दौरे पे देख रहा था प्रदेश के अंदर, हम लोगों ने इस दौरान अपनी कार्रवाई लॉकडाउन के साथ ही प्रारंभ कर दी थी क्योंकि हम जानते थे कि यह एक डिजास्टर बनने जा रहा है, एक बड़ी आपदा बनने जा रही है, इसलिए हम लोगों ने मंत्रियों के भी अलग अलग समूह बना दिए थे और मंत्रियों के समूहों के माध्यम से अलग अलग जिम्मेदारी अलग अलग समूहों को देने के साथ ही हमने जिम्मेदारी दी कि भाई मंत्री समूह नीतियों का निर्धारण करें और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की अध्यक्षता में भी कमेटी बनाई गई और ये कमेटी अलग अलग कार्यों को करने के लिए, जैसे मंत्रियों की समितियों को कि भाई जो प्रदेश के अंदर निर्माण श्रमिक हैं लॉकडाउन के दौरान कार्य बंद होंगे, एक समिति इनके बारे में चिंता करेगी, एक समिति ठेला खोमचा पटरी व्यवसायी इन सब के बारे में चिंता करेगी, एक कमेटी ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में दैनिक जीवन से जुड़े हुए उन सभी जो कारीगर हैं, राजमिस्त्री है, कारपेंटर है, सैलून का नाई जो चलाने वाला नाई है, टेलर है, इस कारीगरी से जुड़े हुए उन सभी के बारे में चिंता करेगी। अलग अलग कमेटी अलग अलग कार्यों के लिए निर्धारित करते हुए मंत्रियों का समूह उसके लिए कार्य करने के लिए, और साथ साथ हम लोगों ने टीम 11 का गठन प्रशासनिक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की अध्यक्षता में प्रदेश के अंदर हम लोगों ने गठित किया। प्रदेश के अंदर गठित पहली कमेटी जो चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता की कमेटी थी, वह देश के अंदर अलग अलग राज्यों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए या भारत सरकार के साथ संवाद स्थापित करना हो, चीफ सेक्रेटरी इसके बारे में संवाद स्थापित करेंगे, उनके साथ एक कमेटी बना दी गई। दूसरी कमेटी जो औद्योगिक संस्थानों को औद्योगिक इकाइयों के बारे में थी कि वे लॉकडाउन कितने दिन चलता है कोई पता नहीं, ये हम पहले समय से ही जान रहे थे कि क्योंकि लंबा चल सकता है, तो हमने औद्योगिक और अवस्थापना विकास के आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की कि औद्योगिक श्रमिकों की समस्याओं का समाधान और उनको लॉकडाउन के दौरान भी मानदेय मिले, वेतन मिले, भोजन आदि की व्यवस्था उनकी हो, ये सारी सुविधाएं उनको मिलती रहे, इसकी चिंता इस कमेटी को करनी है। एक कमेटी जो कृषि उत्पादन आयुक्त होते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था में ये काफी महत्वपूर्ण पद होता है और यह नेक्स्ट टू चीफ सेक्रेटरी होता है, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई
कि लॉकडाउन के दौरान डोर स्टेप डिलीवरी का काम सफलतापूर्वक हो सके, आवश्यक वस्तुओं की, खाद्यान्न की, भोजन पैकेट की, ये सारा कार्य यह कमेटी कर सके, इसके लिए इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी, एक पूरी टीम जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, वार्ड स्तर पर, गांव स्तर पर, हर एक जगह इसको गठित करके इस कार्य को आगे बढ़ाया गया। चौथी कमेटी हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम के अध्यक्षता की थी, जो लॉकडाउन की सफलता को सुनिश्चित करेगी कि लॉकडाउन का कहीं उल्लंघन न होने पाए, इस कार्य को उनको इस पर मॉनिटर करना है। साथ साथ अगर कहीं से कोई प्लान होता है तो इसकी भी चिंता करना, उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से उनके घरों तक पहुंचाना है। पांचवी कमेटी, प्रदेश के अंदर हमने अपने एसीएस रेवेन्यू के अध्यक्षता में गठित की, इसका काम था क्वारंटाइन सेंटर। प्रदेश में कहीं प्लान होता है या कहीं बाहर से लोग आते हैं तो उनके लिए जगह जगह क्वारंटाइन सेंटर बनेंगे, और साथ साथ कम्युनिटी किचन की व्यवस्था, जिससे कहीं भी कोई भूखा न रहे, इसके बारे में व्यवस्था सुनिश्चित करने की तैयारी। छठी कमेटी हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी ग्राम विकास और पंचायती राज की अध्यक्षता में गठित की। हमने कहा देखिए एक अवसर है, इस समय हमें कोरोना से लड़ना है, लेकिन इसके बाद गर्मियों के बाद बरसात आएगी, बरसात में हमें तमाम प्रकार के संचारी रोगों से, मलेरिया है, डेंगू है, कालाजार है, इंसेफ्लाइटिस है, अन्य ऐसी बीमारियों से जूझना पड़ता है, और इसीलिए अभी से हम अपनी स्वच्छता और सैनिटाइजेशन की कार्रवाई को पूरा करेंगे, और पेयजल का संकट कहीं ना आने पाए, इसके लिए वह कमेटी कार्य कर रही थी और उसने निरंतर उस पर कार्य प्रारंभ किया। एक कमेटी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में बनाई गई, जिसने प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की सेवाओं को कोविड लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हॉस्पिटल की एक श्रृंखला को खड़ी करना, टेस्टिंग लैब की स्थापना को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कार्रवाई को तेज कर देना, ये सारे कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़े, इस पर यह कमेटी कार्य कर रही, आज भी कार्य कर रही है। एक कमेटी हम लोगों ने डीजीपी की अध्यक्षता में गठित की, जो प्रदेश के अंदर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की मजबूत स्थिति को हर स्थिति में पालन करा सके, या लेकिन फोर्स को इन्फेक्शन से भी बचाना है। हमारे थाने, हमारी पुलिस चौकियां, हमारी पुलिस जो पीएसी की बहानियां हैं, पुलिस ट्रेनिंग के स्कूल हैं, या पुलिस के जो मेस हैं, इसमें कहीं भी कोई इन्फेक्शन न फैलने पाए, ये डीजीपी की अध्यक्षता में कमेटी। जेलों को भी सुरक्षा प्रदान करना, इसके बारे में भी कार्रवाई करना, तो ये कार्य उस कमेटी के द्वारा किया गया। एक कमेटी हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस की अध्यक्षता में कि प्रदेश के माध्यम से हमें इस दौरान गरीबों को कहीं भी कोई सहायता करनी हो तो डीबीटी के माध्यम से करेंगे, इसके लिए हर गांव में बैंकिंग क्रॉस्पॉन्डेंट हो सके, बैंकों में भीड़ ना हो, बैंकिंग क्रॉस्पॉन्डेंट की व्यवस्था, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ संवाद, और प्रदेश के अंदर भी राजस्व की कमी ना होने पाए, हम अपने राज्य कर्मचारियों को और रिटायर्ड कर्मचारियों को समय पे वेतन और पेंशन का भुगतान कर सकें, इसकी चिंता ये कमेटी करेगी। राजस्व की कमी कहीं ना होने पाए, इसकी चिंता ये कमेटी करेगी। एक कमेटी प्रमुख सचिव एग्रीकल्चर की अध्यक्षता में बनाई गई, जिसमें ये व्यवस्था सुनिश्चित करना कि किसानों को इस दौरान कोई समस्या ना होने पाए, खासतौर पर पूरे लॉकडाउन के दौरान आज भी हमने अपने प्रदेश की 119 चीनी मिलों को चलाया, 12,000 से अधिक ईंट के भट्टों का संचालन किया, 2,500 से अधिक कोल्ड स्टोरेज चलवाए, उन प्रमुख आवश्यक उद्योगों को और एमएसएमई से जुड़े हुए उद्यमों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर चलवाया, जो प्रदेश के अंदर आवश्यक थे, जैसे पीपी किट का निर्माण की कार्रवाई होनी है, N95 मास्क का निर्माण होना है, ट्रिपल लेयर मास्क का निर्माण होना है, सैनिटाइजर का निर्माण होना है, ये सारे कार्य इस दौरान चलते रहे, इन सब पर भी हम लोगों ने कार्रवाई की, किसानों को कोई समस्या ना हो, इस पर हम लोगों ने इस कमेटी ने कार्य किया। लेकिन हर जरूरतमंद को खाद्यान्न भी उपलब्ध हो, यह भी सुनिश्चित करना।
हम लोगों ने अब तक प्रदेश के अंदर 18 करोड़ लोगों को 5 बार सफलतापूर्वक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाया है और 1 जून से हमारा 6ठी बार खाद्यान्न उपलब्ध प्रारंभ होगा प्रदेश के 18 करोड़ लोगों को। ये क्रम हमारा निरंतर चल रहा है। प्रदेश के अंदर, देश के अंदर आप देख रहे होंगे बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश से 25 लाख लेबर उत्तर प्रदेश के अंदर काम करता है, 25 लाख श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य करता है, एक भी व्यक्ति पलायन नहीं कर रहा है और वह सभी यहां बना हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान भी हम लोगों ने उनको मानदेय भी दिलाया और जहां आवश्यकता पड़ती थी, जहां उद्योग तैयार थे, उन्होंने अपनी प्रमिसेस में लॉजिंग फूडिंग की व्यवस्था अगर मजदूरों की श्रमिकों की, तो उनको हम लोगों ने लॉकडाउन के दौरान चलाने की भी अनुमति दी। आज के दिन पर हमारे जो 25 लाख श्रमिक हैं उनमें से जो बंदी थे उन सभी में हम लोगों ने 22 लाख लोगों को वापस, वे लोग अपने कार्य में आ चुके हैं, उनको लॉकडाउन के दौरान का भी मानदेय मिला है और साथ साथ आज वे फिर से अपने कार्य को आगे बढ़ा चुके हैं। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर ये सभी कार्रवाई टीम 11 को एक कार्य देकर के प्रतिदिन मेरे साथ एक कमेटी बैठती है। आप आश्चर्य करेंगे कि जिस समय कोरोना का पहला पेशेंट यूपी में आया था तो हमारे पास लैब नहीं थी, कोविड हॉस्पिटल नहीं थे, पीपीई किट नहीं थी, N95 मास्क नहीं थे, और जैसे ही ये चला कि सैनिटाइजर की आवश्यकता पड़ेगी तो सैनिटाइजर जो छोटे से पैक पे था 80 रुपए का था, उसकी कीमत 500-600 रुपए आगे बढ़ गई। हम लोगों ने अपने जितने भी प्रदेश के अंदर डिस्टिलरीज थी, चीनी मिलें थी, इन सब को बुलाया और एल्कोहल से हम लोगों ने इतना सैनिटाइजर उपलब्ध कराया कि प्रदेश के अंदर हमने अपने प्रत्येक नगर निकाय को, प्रत्येक ग्राम पंचायत, हमारे पास लगभग 60,000 ग्राम पंचायतें हैं, हमारे पास प्रदेश के अंदर लगभग 700 के आसपास अर्बन बॉडीज हैं, इन सभी को, हर चिकित्सालय को, हर ऑर्गेनाइजेशन को पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर उपलब्ध कराया, और यही नहीं 28 राज्यों को भी हमने प्रदेश से सैनिटाइजर उपलब्ध करवाने में हमने सहयोग किया, यहां से हमने उपलब्ध करवाया है। एक भी पीपी किट की यूनिट हमारे पास नहीं थी, आज हमारे पास 28 प्रदेश के अंदर पीपी किट की यूनिट मौजूद है। N95 मास्क यहाँ पे बन रहा है, महिला स्वयं सेवी समूह यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ट्रिपल लेयर मास्क बना रही हैं, और लैब हमारे पास एक भी नहीं थी। जब पहला पेशेंट उत्तर प्रदेश में आया था तो हमने उसका उपचार दिल्ली के सफदरजंग में करने के लिए भेजा था। आज प्रदेश के अंदर हमारे पास 26 लैब हैं, हम प्रतिदिन 10,000 टेस्ट करने की क्षमता विकसित कर चुके हैं। हमारे पास एक भी हॉस्पिटल नहीं था, आज हमारे पास हॉस्पिटल की एक चेन खड़ी हो चुकी है और देश के अंदर सर्वाधिक बेड आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में 78,000 Level 1, Level 2, Level 3 के हॉस्पिटल के बेड उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग क्रिएट कर चुके हैं, हमारे पास मौजूद हैं। यानी 78,000 कोरोना पेशेंट अगर उत्तर प्रदेश में दुर्भाग्य से आ ही गया तो हम एक समय में इन सबको उपचार की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। ये एक कार्य यहाँ पर इस रूप में किया गया और एक टीम वर्क था जिसका परिणाम था कि हम लोगों ने कोरोना को भी काफी हद तक कंट्रोल किया। 24 करोड़ की आबादी के प्रदेश में कुल 6,000 कोरोना पॉजिटिव के केसेज आए हैं अब तक, और इसमें से भी 3400 ठीक होकर के जा चुके हैं। ये अब तक का हमारा प्रदेश का रिजल्ट है। और ये स्थिति तब है जब हम लोगों को पहले चरण में दिल्ली के लगभग 4 लाख जो हमारा माइग्रेंट लेबर था, प्रवासी कामगार था, वो अचानक 27-28 मार्च को ही प्लान किया था हमें उसको सुरक्षित उसके घरों तक पहुंचाने के लिए, पहले क्वारंटाइन सेंटर फिर उसके घरों तक ले जाने की व्यवस्था करनी पड़ी। यहां हम इससे उभरे ही थे कि तबलीगी जमात का एक नया संकट हमारे सामने आ गया। मैं उस दौरान स्वयं भी 29 को नोएडा और गाजियाबाद के दौरे पे था, और जब मैं वहां गया तो मुझे जानकारी मिली कि
दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में एक बड़ा आयोजन हुआ था, इसमें विदेशों से आए हुए काफी लोगों ने भाग लिया है और उसमें काफी उत्तर प्रदेश के भी लोग थे, तो मैं तुरंत वहीं से अपना कार्यक्रम स्थगित करते हुए वापस आया। मैंने हर एक जिले को अलर्ट किया और अलर्ट करने के बाद मैंने उनसे कहा भाई तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग जहां भी हैं इनको तत्काल कंटेन करिए, इनको उठा करके बंद करिए, इनकी जांच करिए, अगर ये खुल गए ये बाहर आ गए संक्रमण फैलाएंगे और आप फिर कम्युनिटी इन्फेक्शन से बचा नहीं पाएंगे। और देखते ही देखते हम लोगों ने 5,000 से अधिक ऐसे जमातों को तत्काल 2 दिन के अंदर यानी 48 घंटे के अंदर इन सबको गिरफ्तार करके ले लिया। प्रारंभिक उसमें हमारे पास 90% जो मामले थे संक्रमण के तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे और इनके कारण संक्रमण तेजी के साथ फैला, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इन्हें सबको कंटेन किया और इसके बाद फिर हमारी कार्रवाई गई आगे चल दी गई, हमने काफी हद तक उसको कंट्रोल किया। मेडिकल इन्फेक्शन के पास हमारे पास 2 जगह मामले आए थे, एक आगरा में जो सबसे खराब था, आगरा में 7 प्राइवेट हॉस्पिटल के कारण भी काफी बड़ी मात्रा में मेडिकल इन्फेक्शन कोरोना का फैला था, और दूसरा नोएडा में फैला था, नोएडा में 2 हॉस्पिटल के कारण ये इन्फेक्शन फैला था, हमने उसको भी कंट्रोल वहां पर किया। आज के दिन पर हम प्रदेश में काफी हद तक कंट्रोल किए हैं। जब तक देश के अंदर प्रवासी कामगार और श्रमिकों के पलायन का मुद्दा नहीं आया था तब तक हमारे केवल 25 जनपद ऐसे थे जो कोरोना संक्रमित थे, लेकिन आज हमारे 73 जनपद ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमित हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश में हमारे पास 22 लाख से अधिक प्रदेश के अंदर प्रवासी कामगार और श्रमिक आया है। हम लोगों ने इनके लिए व्यवस्था की है, खासतौर पर प्रवासी कामगार की सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी हो सके इसके लिए हमारी जो कार्य योजना बनी है इस पर खासतौर पर हमने बहुत व्यापक कार्य योजना बनाई। एक भारत सरकार का जो हमें मदद मिला है, भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय ने जो मदद की, तो हम लोगों ने भारत सरकार के सहयोग से उन्हें सुरक्षित लाने के लिए रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया। जो नजदीक के थे उनको तो हम अपने सड़क उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज भेज करके मंगवाए, जैसे हरियाणा से लगभग 1 लाख लोगों को हम लोगों ने अपनी बसेज का इस्तेमाल किया, कुछ हरियाणा सरकार ने सहयोग किया हमने सुरक्षित उनके गृह जनपद तक पहुंचाने में और उनका क्वारंटाइन में रखने में हमें सफलता मिली और हमने इसको कार्य को बहुत अच्छे ढंग से संपन्न किया। मध्य प्रदेश में हमारे काफी बड़ी संख्या में लोग थे, हमने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज से मध्य प्रदेश के लोगों को मध्य प्रदेश पहुंचाने और मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के लोगों को कुशलतापूर्वक वापस हम लोग लाए, उसमें कोई समस्या नहीं आई। राजस्थान में हमारे लगभग 12,000 से अधिक कोटा में विद्यार्थी थे उत्तर प्रदेश के, हमने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज वहां भेजी जो कम पड़ गई थी, राजस्थान परिवहन निगम की बसेज का इस्तेमाल किया, उनका हमने भुगतान किया, उन्होंने भुगतान लिया, हमने उसका भुगतान भी किया, लेकिन इनको सफलतापूर्वक हम लोग लेकर के आए। इसके अलावा अन्य राज्यों में हम लोगों ने श्रमिक स्पेशल का उपयोग किया और अब तक उत्तर प्रदेश में लगभग 1,150 से अधिक श्रमिक स्पेशल आई हैं जो प्रवासी कामगार और श्रमिकों को लेकर के आई हैं। इसके अलावा निजी साधनों से भी बड़ी संख्या में लोग आए हैं और 22 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय आ चुका है। इनको हम लोगों जब लेके आते हैं तो ये लोग सभी यहाँ पर आते हैं, गृह जनपद में पहुंचने पर इनको क्वारंटाइन सेंटर में ले जाया जाता है। हमारे क्वारंटाइन सेंटर में इस समय लगभग 15 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिकों के रहने की इस समय सुविधा है अलग अलग जनपदों में, और वहां पर उनको वहां पर मेडिकल की इनकी स्क्रीनिंग होती है। जो लोग स्वस्थ होते हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं होता है उन्हें हम राशन का एक किट देते हैं जिनमें 15 दिन का पूरे परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था होती है और उन्हें अपने सरकारी साधन से उनके घरों में पहुंचा करके और सुरक्षित रूप से उनकी निगरानी करने के लिए हर ग्राम पंचायत में हर वार्ड स्तर पर हम लोगों ने निगरानी समितियां बनाई हैं। जिनमें थोड़ी भी लक्षण होता है
तो हम उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रख करके उनकी टेस्टिंग कराते हैं। क्योंकि संख्या ज्यादा होती है तो हमने पूल टेस्टिंग प्रारंभ की। देश के अंदर पूल टेस्टिंग करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है और हमने पूल टेस्टिंग के माध्यम से कंफर्म करते हैं कि इनमें कोरोना है या नहीं है। अगर कोरोना पॉजिटिव आ गया तो उन्हें हम तत्काल अपने हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और कोविड हॉस्पिटल में हम उनकी उपचार की सुविधा यहाँ पे प्रदान करते हैं। उनकी सारी सुविधा शासन स्तर पर होती है, उनके खाने की, उनके रहने की, उनके उपचार की। जो मेडिकल टीम काम कर रही है उनके लिए भी हम लोगों ने क्वारंटाइन की फैसिलिटी अलग से बनाई है। एक्टिव और पैसिव दोनों प्रकार की सुविधाएं उनके लिए अलग से बनाई गई है। ये व्यवस्थाएं हमने की हैं। उत्तर प्रदेश में 75 हमारे जनपद हैं और सभी 75 जनपदों में कोविड के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हॉस्पिटल भी हैं। हर जनपद में वेंटिलेटर की सुविधा किसी भी पेशेंट को उपलब्ध कराने की व्यवस्था हमारे पास है और आज के दिन पर ये निरंतर आगे चल रहा है। अभी हमारे सामने चैलेंज है एक सप्ताह का, और हमारा ये मानना है कि एक सप्ताह के अंदर हम प्रवासी कामगार और जितने भी हमारे श्रमिक होंगे जो अन्य राज्यों में रहते हैं, जो आना चाहते हैं, उन सबको सुरक्षित वापस लेके आ जाएंगे। जब उन्हें एक बार हम लेके आ जाएंगे और सफलतापूर्वक होम क्वारंटाइन में या फिर उन्हें कोविड हॉस्पिटल तक पहुंचवा देंगे, उसके बाद की हमारी फिर आगे की चरण की कार्रवाई प्रारंभ होगी। क्योंकि वह उसके बाद की हमारी कड़ी कार्रवाई उसके बाद की होगी कि हर हाल में अब इस इन्फेक्शन को फैलने से बचाना। क्योंकि मुंबई से आने वाला जो भी कामगार है उसमें से 75% लोग ऐसे हैं जिनमें संक्रमण है। दिल्ली से आने वाला कामगार 50% ऐसा है जिसमें संक्रमण है। अन्य राज्यों से आने वाला जो कामगार है 25-30% ऐसे मामले आ रहे हैं जिनमें व्यापक संक्रमण है। तो हमारे लिए एक चैलेंज इस समय बना हुआ है, लेकिन मजबूती के साथ पूरी टीमें काम कर रही हैं। 75,000 से अधिक हमारी मेडिकल टीमें काम कर रही हैं इस समय प्रदेश में, जो केवल स्क्रीनिंग का काम कर रही हैं। और ये मेडिकल स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और फिर उसके साथ साथ ट्रीटमेंट की जो कार्रवाई चल रही है प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर, हॉस्पिटल में, अलग अलग प्रकार के हॉस्पिटल्स में, आज उसका परिणाम है कि हम लोगों ने काफी हद तक इसको कंट्रोल किया और आगे भी हम इसको करेंगे। और मुझे प्रसन्नता होगी कि मैं कोरोना के संकट से जो चैलेंज देश के सामने है, स्वाभाविक रूप से मीडिया के सामने भी है, लेकिन इस मीडिया इस चैलेंज के समय में भी जिस मजबूती के साथ काम कर रहा है, आज मैं ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य से जुड़े हुए अपने दोनों जो हमारे संपादक गण हैं इनका अभिनंदन करूंगा और आप मीडिया से जुड़े हुए हमारे जितने भी महत्वपूर्ण स्तंभ हैं आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आज आपने इस संवाद के कार्यक्रम में मुझे अवसर दिया है। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार, मेरा ये मानना है हमारा जो अभी संकट है, हम लोग एक सप्ताह के अंदर इसको काफी हद तक कंटेन करने में सफल होंगे और इसके बाद जून के अंदर हम लोग जो है काफी हद तक इसको और भी नियंत्रित कर पाएंगे। लेकिन मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश देश के अंदर बहुत सुरक्षित स्थिति में है और आगे भी जो अब तक हमने परिणाम दिया है इसी प्रकार का बेहतर परिणाम हम देंगे। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। आपके उद्बोधन में जो अभी आपने बात रखी, हमारे पास पूरा जो हमने नंबर दिया है उस पर प्रश्नों की बिल्कुल झड़ी लगी हुई थी, परंतु आपने जिस तरह से तथ्यात्मक जानकारी दी है मुझे लगता है बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर उसके साथ मिल गया है। परंतु फिर भी बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकारों के हमारे पास कुछ प्रश्न हैं। मैं चाहूंगा, मैं जानता हूं कि 5:30 बजे के बाद आपकी एक और बैठक लगी हुई है, इसके बाद मैं जितने अधिक प्रश्न हम इस बीच में ले सकें मेरा प्रयास रहेगा कि हम वो प्रश्न लें। पहला प्रश्न मैं हमारे पास जो है सिद्धार्थ जराबी जी का है, एडिटर इन चीफ हैं ब्लूमबर्ग टीवी के।
सिद्धार्थ जी पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे कौन से नए कदम उठा रही है जिससे कि चीन से शिफ्ट होने वाली कंपनियां, क्योंकि चीन के लिए पूरी दुनिया में एक आक्रोश का, भय का, आशंका का माहौल है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे कौन से कदम उठा रही है कि जो चीन से शिफ्ट होने का मन बना रही है वो कंपनियां, उनके लिए उत्तर प्रदेश एक आकर्षक स्थान बने बन सके, उन्हें उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित किया जा सके। देखिए मैं धन्यवाद दूंगा सिद्धार्थ जी को कि उन्होंने जो आज की जो सबसे लोगों का कोरोना संकट के बाद रोजगार से संबंधित जो एक आशंका है, सबसे पहले प्रश्न वहीं से प्रारंभ किया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जर्मन की एक बहुत बड़ी लेदर से जुड़ी हुई फर्म है, वह उसने आगरा में अपना निवेश करने में रुचि दिखाई है और वो चीन से आ रही है। वह हर वर्ष 30 लाख से अधिक जूते बनाने का काम आगरा में करेगी और ये कार्यवाही ये आगे बढ़ चुकी है। हम लोग इस चीज को, अपनी पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इस समय भारत निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य है और उत्तर प्रदेश उसमें और भी अच्छा है। एक उत्तर प्रदेश के अंदर कनेक्टिविटी, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, हमारे पास एक्सप्रेसवे का सबसे अच्छा तंत्र हमारे पास मौजूद है, एयर कनेक्टिविटी यूपी के अंदर है और दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट भी हमारे पास है। हमारी अपनी पॉलिसीज हैं, सेक्टोरियल पॉलिसीज के माध्यम से हम लोगों ने उस प्रकार की व्यवस्थाएं दी हैं और चीन से सस्ता लेबर भी हमारे पास मौजूद है, सक्षम और स्किल जो मैन पावर है वो हमारे पास मौजूद है। ये सभी संभावनाओं को ध्यान में रख करके और सुरक्षा का जो वातावरण है, स्टेबिलिटी जो यहां पर है, उसके कारण ये मैं मानता हूं कि जो व्यापक संभावनाएं बन रही हैं वह उत्तर प्रदेश उस अधिक से अधिक निवेश को यहां पर आकर्षित करने में सफल होगा। हम लोग उस प्रक्रिया को काफी आगे बढ़ा चुके हैं और ये शुरू हो चुका। जो मैंने जर्मन की कंपनी जो चीन से अपने निवेश को ला करके उत्तर प्रदेश में करने जा रही है उससे मैंने शुरुआत की है, लेकिन ये मान के चलिए कि इसमें बहुत सारी चीजें इसमें आ रही हैं और वो चीजें बहुत जल्दी मुझे लगता है सभी लोगों को जमीनी जमीन पर दिखाई भी देगी। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। मेरा दूसरा प्रश्न जो है वो दो आयाम उसके साथ जुड़े हुए हैं। राहुल महाजन जी का प्रश्न है, राज्यसभा टीवी के प्रधान संपादक हैं। उनका कहना है कि देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों से जो माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहे हैं, तो ऐसे में दो चुनौतियां आने वाली हैं। एक तो जिन राज्यों से लेबर इस तरह से निकलेगी वहां पर औद्योगिक गतिविधियां हैं वो प्रभावित होंगी, और जिन राज्यों की ओर पलायन बढ़ेगा वहां COVID-19 के केसेस बढ़ेंगे। इस चुनौती को आप कैसे देखते हैं? देखिए मैं आभारी हूं अपने राहुल जी का, उन्होंने जो दोनों आशंकाएं व्यक्त की हैं बहुत उचित हैं, लेकिन हम उसके प्रति पहले से सतर्क भी हैं। आप देख रहे होंगे हम लोगों ने इसलिए 75,000 से अधिक अपनी मेडिकल टीमें गठित करके स्क्रीनिंग को और तेज किया है। हम इस बात को जानते हैं कि जो माइग्रेंट लेबर आएगा संक्रमण भी आएगा, लेकिन स्क्रीनिंग और उसके साथ साथ देखिए वह कार्यकर्ता पसीना बहाता है तो स्वाभाविक रूप से वह इस संक्रमण से जूझने की ताकत उसके पास है। सामान्य व्यक्ति, आप परिणाम देखेंगे कि सामान्य व्यक्ति में अगर संक्रमण होता है तो उसको ठीक होने में 14 से 20 दिन लग रहे हैं और माइग्रेंट लेबर में संक्रमण के बाद 6-7वें दिन ही वह कोरोना नेगेटिव में आ जा रहा है। एक बहुत बड़ी ताकत है ये हमारी, इसलिए संक्रमण के साथ साथ यह हमारी एक बहुत बड़ी ताकत हमें प्राप्त हो रही है और इस बड़ी ताकत का इस्तेमाल हम लोग प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। जो माइग्रेंट लेबर आ रही है इसकी स्क्रीनिंग के साथ ही हम इसकी स्किलिंग भी करने जा रहे हैं और स्किलिंग, स्किल मैपिंग की जो कार्रवाई हमारी चल रही है, स्किल मैपिंग के माध्यम से आप आश्चर्य करेंगे कितना अच्छा मैन पावर हमारे पास है। इसमें प्लम्बर हैं, इसमें कारपेंटर हैं, इसमें राजमिस्त्री हैं, इसमें टेलर मास्टर हैं, इसमें ड्राइवर हैं, इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, इसमें अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए बहुत बड़ी मात्रा में लोग हैं।
और इनके लिए आज हमारी सरकार में आपको बताते मुझे प्रसन्नता है, और मैं सही बता रहा हूं कि मैं किसी मीडिया ग्रुप में पहली बार बोल रहा हूं, मैंने आज ही अपने अधिकारियों को आदेश दिया है उत्तर प्रदेश के अंदर अपने जितने भी ये मैन पावर हमारी है इन सब की स्किल मैपिंग के साथ साथ इसके लिए एक कमीशन का गठन करके और व्यापक पैमाने पर रोजगार उन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर ही उपलब्ध कराने की कार्रवाई। अब अगले अगर किसी राज्य को मैन पावर चाहिए तो इस मैन पावर को सोशल सिक्योरिटी की गारंटी स्टेट गवर्नमेंट देगी, इसका बीमा कराएगी, इसको हर प्रकार से हम सुरक्षा देंगे, लेकिन साथ साथ तो राज्य सरकार बिना हमारी परमिशन के हमारे लोगों को लेकर के नहीं जाएगी, क्योंकि कुछ राज्यों में जिस प्रकार की दुर्गति हुई है, जिस प्रकार का व्यवहार हुआ है उसको देते हुए हम इनकी सोशल सिक्योरिटी की गारंटी अपने हाथों में लेने जा रहे हैं, और इसके लिए मैंने आज एक कमीशन बनाने की व्यवस्था की है जिसके लिए हम लोग बहुत शीघ्र एक एक अपने कामगार का, चाहे वो यहाँ का हो चाहे वह बाहर से आया हो, प्रत्येक की स्किलिंग स्किल मैपिंग करेंगे, उसकी सुरक्षा उसकी बीमा की व्यवस्था करेंगे, उसको हर प्रकार की सुविधाएं देंगे। उत्तर प्रदेश के अलावा देश और दुनिया में जहां कहीं भी जाएगा राज्य सरकार उसके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। आपके इस उत्तर के साथ ही एक एक प्रश्न यूएनआई के सचिन बुधौलिया जी का था रोड मैप के बारे में, जिसका उत्तर मिल गया, और उत्तर के साथ ही सभी पोर्टल्स को एक एक्सक्लूसिव खबर भी मिल गई है इस कमीशन के बारे में, तो मुझे लगता है मीडिया के लिए एक ताजा बड़ी खबर है। अगला एक जो प्रश्न है हमारे पास प्रमोद जोशी जी का है। प्रमोद जोशी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूर्व स्थानीय संपादक दैनिक हिंदुस्तान दिल्ली संस्करण के हैं, और प्रमोद जी का प्रश्न है कि राज्य में आर्थिक गतिविधियों को सामान्य करने और गति देने की क्या योजना है, और रक्षा कॉरिडोर का काम खास तौर से वो इस आपदा से बाधित हुआ है, प्रभावित हुआ है, या उसे अधिक तेजी से करने की कोई योजना है, क्योंकि फरवरी में उसको पहले शुरू किया था और उस पर फोकस था, अब क्या आगे योजना है। मैं आपको तो प्रमोद जी को भी इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं, लॉकडाउन के प्रथम चरण में हमने अपनी सभी गतिविधियों को स्थगित किया था सिवाय चीनी मिलों को संचालन के, क्योंकि किसानों से सीधे जुड़ा हुआ था, उस दौरान 119 चीनी मिलें हमने चलाई थी। लेकिन लॉकडाउन के सेकंड चरण में सेकंड फेज में हम लोगों ने अपनी आर्थिक गतिविधियों को भी प्रारंभ कर दिया था। हमारे यहाँ इस समय हमारे दो एक्सप्रेस वे पे काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे हम 45% काम कर चुके हैं और मेरा प्रयास है कि हम लोग इस महीने के अंत तक उसका 50% काम पूरा कर लेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो बैकबोन बनेगी हमारी डिफेंस, जो हमारा डिफेंस कॉरिडोर का, उस पर हमारा कार्य फिर से प्रारंभ हो चुका है और डिफेंस कॉरिडोर की हमारी गतिविधियां फिर से प्रारंभ हो चुकी हैं। जो फरवरी में हम लोगों ने यहाँ पर डिफेंस एक्सपो किया था, डिफेंस एक्सपो के बाद जो चीजें सामने आई थी, जितने निवेश की बातें आई थी, उसमें बाहर से बहुत बड़ा निवेश यहाँ पे आ रहा था, उन लोगों ने फिर से अपनी रुचि दिखाने के साथ साथ अब ये अपना पूरा पैसा जमा करके अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हमारी कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। हमने गंगा एक्सप्रेस वे पर भी अपना कार्य प्रारंभ, देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है ये, मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक गंगा जी के पैरेलल ये एक्सप्रेस वे बनेगा और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को ये तीन नए एक्सप्रेसवे एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो इन सब पर हमारी कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है, कोई भी बड़े प्रोजेक्ट आज के दिन पर हमारे बंद नहीं है, सभी को हम आगे बढ़ा तेजी के साथ कार्य प्रारंभ कर चुके हैं। प्रारंभिक रूप से हमें रेवेन्यू का थोड़ा शुरू में झटका जरूर लगा था, लेकिन अब फिर सभी स्ट्रीमलाइन होते जा रहे हैं। हमें जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जान भी है और जहान भी है, इन दोनों के लिए एक साथ अब हम कार्य कर रहे हैं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम लोग दोनों को एक साथ लेकर के चलेंगे, अपने लोगों को ही बचाएंगे लेकिन साथ साथ उनको आर्थिक समृद्धि और स्वावलंबन की ओर भी लेकर के जाएंगे। जी, इसमें एक उत्तर और मिल गया है हमें। प्रणव धर्माणी IIM रायपुर से था, उनका प्रश्न के निवेश गंतव्य के रूप में कैसे उभर रहा है और युवाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न आपने इसका स्पष्ट किया। मैं एक अगला प्रश्न लेना चाहूंगा, एक सवाल मेरा है और साथ में एक मनोज वर्मा जी का भी, उसमें प्रख्यात एंकर हैं लोकसभा टीवी से जुड़े हुए, उनका भी एक सवाल है कि
उत्तर प्रदेश पर, खास तौर से उत्तर प्रदेश पर फेक न्यूज का की जो समस्या है, मीडिया की विशेष कृपा दृष्टि कहें कि उत्तर प्रदेश पर रहती है। हमने भदोही की घटना देखी, हमने उसके बाद मुख्यमंत्री के बयान को ट्वीट को अपने मन से बता देने वाली घटना देखी। ये फेक न्यूज की समस्या का जो विकराल रूप से उभर कर आई है पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में, शासन स्तर पर इससे निपटने और रोकथाम के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए, मैं मीडिया की स्वायत्तता का पक्षधर हूं और हमेशा इस बात को मानता हूं कि लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के रूप में मीडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन हमारी ये भूमिका तभी तक मजबूत है जब तक कि हम आम जन की विश्वसनीयता पर खड़े उतरेंगे। जहां भी हमारी विश्वसनीयता डगमगाई, स्वाभाविक रूप से वो हमारे सामने एक संकट खड़ा करेगा। इसलिए फेक न्यूज को हर एक स्तर पर रोकना, और हम लोग पहले इस चीज को तय कर लेते हैं, अगर कोई फेक न्यूज दे रहा है उसको नोटिस देते हैं, भाई आप इसके थोड़ा इसका बताइए, इसका स्रोत क्या है, और उसके बाद नहीं होता तो फिर इस मामले में, चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी और इस मामले में पहले ही कार्रवाई करने के लिए कहा था, क्योंकि छोटी छोटी अफवाहें और गलत जो फेक न्यूज होती हैं, फर्जी खबरें होती हैं, ये कभी कभी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है, बड़ी घटनाओं का कारण बन सकता है। इसलिए इसको हर हाल में रोकना, और हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इस पर बहुत सख्ती से लगाम लगाने की भी कार्रवाई प्रारंभ की है कि फेक न्यूज को हर हाल में इसको रोकना चाहिए, रोका जाना चाहिए। इसलिए यहाँ से हर किसी भी इस प्रकार की न्यूज को लेकर तत्काल संबंधित व्यक्ति के पास नोटिस जाता है कि भाई आप इसका कारण बताइए, नहीं बताएंगे तो फिर हम इसके बाद इस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। तो ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं, हम एक अवसर जरूर देते हैं उनको, लेकिन अगर उसके बाद भी कुछ लोग अपनी आत्माओं में सुधार नहीं लाने का नहीं वो करते हैं, प्रयास नहीं करते हैं, तो फिर उस पे हमें आगे कानून कार्रवाई करनी पड़ती है। जी, एक और प्रश्न है विनीत सक्सेना जी का, यूनिट हेड है अमर उजाला बरेली, देखते हैं। विनीत जी का प्रश्न है कि सबसे पहले दिल्ली से मजदूरों का पलायन हुआ, उसके बाद अन्य राज्यों से मजदूरों का पलायन हुआ, उत्तर प्रदेश में ये मजदूरों की सबसे बड़ी संख्या थी जो जिन्हें लौटना था, तो उत्तर प्रदेश में तो एक एक यकायक जो जोर पड़ा उत्तर प्रदेश पर, ये पलायन की घटनाएं, इनकी टाइमिंग और इनके पीछे का जो पुश था, वो आपको सहज लगता है या इसके पीछे कोई अदृश्य कारण भी आप देखते हैं? देखिये, दोनों चीजें हैं। देखिये, हम लोग इस बात को मानते हैं कि हर एक कार्य का कोई ना कोई कारण जरूर होता है, और इसके पीछे भी रहा है। मैंने आपको बताया कि अगर लॉकडाउन के दौरान सभी लोगों को, जो लोग गरीबों के बारे में नारेबाजी करते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, बड़े बड़े स्लोगन देते हैं, इन लोगों ने ईमानदारी से इन कामगारों की चिंता की होती तो संभवतः पलायन को काफी हद तक रोका गया होता। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ, मानदेय नहीं मिला, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं प्राप्त हुई, बहुत सारी जगह बिजली और पानी के कनेक्शन काटे गए, उनको पलायन करना पड़ा। लेकिन चूंकि वह प्रवासी कामगार हमारा अपना आदमी था, हमारी ताकत है, तो हम लोगों ने बड़ी सहृदयता के साथ उसे गले लगाया, उसको उसके घर तक पहुंचाया है। एक भी प्रवासी कामगार और श्रमिक 22 लाख से ऊपर यूपी में आ चुका है, कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर उपेक्षा की बात नहीं कर सकता है। और आज उसको ये एहसास हुआ है कि प्रदेश और केंद्र की सरकारों के कारण वह सुरक्षित अपने घरों में पहुंचा है। हर एक को राशन मिल रहा है, हर एक को भरण पोषण भत्ता मिल रहा है, हर एक की स्किल मैपिंग हो रही है, और हर एक को रोजगार और नौकरी देने की तैयारी भी हम लोग राज्य स्तर पर अपना प्रारंभ कर चुके हैं। और मैं इस बात को मानता हूं कि ये हमारे लिए एक अवसर है, जो भी इसके लिए कारण हो, कारक होंगे, वह उसका अपना भोगेंगे, लेकिन हमारे लिए एक अवसर है जब हम अपनी मैन पावर का उपयोग राज्य की समृद्धि में कर पाएंगे, और उस समृद्धि की दिशा हम लोगों ने इस चैलेंज को एक अवसर के रूप में ही बदला है। हमें तात्कालिक रूप से थोड़ी समस्या उस समय आई थी, आज भी आई है, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि वह यूपी का निवासी है,
उत्तर प्रदेश का कामगार है तो हमें उत्तर प्रदेश के अंदर उसके लिए व्यवस्थाएं देनी, हम उसको ये व्यवस्थाएं दे रहे हैं और उसकी ऊर्जा का उपयोग उत्तर प्रदेश की समृद्धि में करेंगे। जी, अगला दो प्रश्न है अतुल तारे जी, स्वदेश ग्वालियर के संपादक हैं अतुल जी। अतुल जी का प्रश्न पहला ये है कि आपने दंगाइयों के खिलाफ जो कार्रवाई की वो वास्तव में एक उदाहरण है, शासन के स्तर पर इस कार्रवाई को लेकर आपका क्या फीडबैक है, ये पहला प्रश्न है। उसके साथ ही वो पूछ रहे हैं कि शासन शासकीय कर्मचारियों से विरोध का जोखिम नहीं लेता, आपने कोरोना संकट में उनके भत्ते समाप्त कर दिए, क्या सरकार को या भविष्य में चुनाव में पार्टी को इससे नुकसान नहीं होगा? देखिए दोनों चीजें अलग हैं, एक तो प्रदेश के अंदर जो भी उपद्रवी तत्व हैं, देखिए अगर हम देखिए शासन की भाषा दोनों साथ साथ चलनी चाहिए और जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का बहुत स्पष्ट उद्घोष रहा है कि सज्जनों के साथ शास्त्र की भाषा का उपयोग करना और दुर्जनों के साथ शस्त्र की भाषा का उपयोग करना, तो हम लोग इस पे ही ज्यादा विश्वास करते हैं क्योंकि हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का यह आदेश है, तो वही हम लोग यहाँ पे भी करते हैं। हम अपनी जनता के प्रति बहुत सहृदयता के साथ सहानुभूतिपूर्वक शासन की हर योजना को उन तक पहुंचाना, लेकिन जो लोग कानून को नहीं मानते, कानून को गिरवी रखना चाहते हैं, कानून का गला रौंदना चाहते हैं, उनके साथ उतनी ही सख्ती के साथ कार्रवाई भी हम लोगों ने की। अगर हम लोग कार्रवाई नहीं करते तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को नियंत्रित करना बहुत कठिन होता। हम लोगों ने उतनी सख्ती के साथ उनके साथ हम पेश आए और फिर उठा करके जब उनके साथ कार्रवाई प्रारंभ हुई तो उसके परिणाम है आज के दिन पर आप देख रहे होंगे बहुत शांति है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 23-24 करोड़ की आबादी का प्रदेश, मिक्स पॉपुलेशन का प्रदेश, कहीं किसी को कोई समस्या नहीं, शासन की योजनाएं सबको, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं, किसी को अराजकता फैलाने या कानून को गिरवी रखने का अधिकार नहीं, कानून के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं, एक पक्ष वह था। दूसरा शासकीय कर्मचारी, ये शासन की टीम का भिन्न हिस्सा होता और हम लोगों ने इसका भरपूर उपयोग उत्तर प्रदेश के अंदर किया है और ये लगातार प्रदेश के अंदर अपना कार्य कर रहा है। वे अनावश्यक भत्ते जो कुछ लोगों ने अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों के लिए प्रदेश की जनता पर अनावश्यक लोड डालने के लिए किए थे, उनको हम लोगों ने समाप्त किया। यही नहीं, हम लोगों ने प्रदेश में अपने MLAs और मिनिस्टर्स की 30% यानी 30% वेतन और भत्तों में कटौती की, विधायक निधि को एक साल के लिए पूरी तरह स्थगित कर दिया गया और भी कुछ अनावश्यक खर्चे, जितने भी अनावश्यक खर्चे थे शासन के, इन सबको हम लोगों ने एक झटके में समाप्त किया है क्योंकि एक बड़ी लड़ाई लड़नी है तो अपने सारे मोहरे एक साथ खोलने पड़ेंगे और उस पर हमने कार्रवाई की है। हर लड़ाई चुनाव जीतने और हारने के लिए नहीं की जा सकती है, लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए, 23 करोड़ लोगों की सुख और समृद्धि के लिए कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और प्रदेश की जनता इस मामले में साथ में है, कहीं कोई संकट नहीं, कोई किसी प्रकार की कोई इस प्रकार का कहीं कोई समस्या भी नहीं आने वाली। जी, हमारे पास समय बहुत थोड़ा है, मैं 4 प्रश्न लेना चाहूंगा बहुत जल्दी जल्दी। 2 बंगाल से प्रश्न है, रंतिदेव सेन गुप्ता जी का है, वरिष्ठ पत्रकार हैं बंगाल से, और देवजानी भट्टाचार्य जी स्तंभकार हैं रितम बांग्ला और वार्ता टुडे से। जो रंतिदेव जी का सवाल है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण हेतु आपकी राय में कौन से कदम उठाने चाहिए? देखिए हमने यहाँ पे कुछ चीजें प्रारंभ की हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे समृद्ध कृषि बाहुल्य क्षेत्र है और सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास प्रदेश के अंदर मौजूद है। हम लोगों ने यहाँ पे प्रदेश के अंदर 2-3 चीजें अपने प्रारंभ की हैं। एक ग्रामीण जो आजीविका मिशन है, इसमें महिला स्वयंसेवी समूह को और सशक्त करना और उन्हें अलग अलग कार्यों को उसके साथ आगे बढ़ाने की कार्रवाई करना। दूसरा, किसान उत्पादक संगठन FPOs को और ताकत दे करके उसको और मजबूत करना। ये जब तक हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं करेंगे, जॉब क्रिएशन के साथ साथ वहां पर अधिक से अधिक रोजगार का सृजन नहीं होगा, तब तक हम प्लान की समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। और एक अवसर है,
देखिए पहली बार मुझे इस चीज देखने को मिली जब समय पे खेती कटी, कारण था पर्याप्त मात्रा में लेबर था। आज के दिन पर आप आश्चर्य करेंगे कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन 35 से 40 लाख लोगों को केवल मनरेगा में हम रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं प्रतिदिन। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों के 59,000 ग्राम पंचायतों में हम लोगों ने बैंकिंग क्रॉस्पॉन्डेंट सखी के रूप में, यानी एक एक महिला को उसमें भी रोजगार के साथ जोड़ने की कार्रवाई की कि जो भी पैसा केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री पैकेज के माध्यम से या राज्य सरकार का जो भी पैसा हम देंगे किसी भी लाभार्थी को, इसके लिए उन्हें बैंकों में लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, बल्कि इसके लिए बैंकिंग क्रॉस्पॉन्डेंट सखी उनके पास जाएगी और जाकर के उनका पैसा जमा करने या उनको पैसे का भुगतान करने में अपना योगदान देगी। और ये कार्य सफलतापूर्वक यहाँ पर प्रदेश के अंदर हो रहा है। मेरा यह मानना है हम एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर अपने इन महिला स्वयंसेवी समूहों को या FPO के माध्यम से हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत कर सकते हैं। अगर वियतनाम रेडीमेड गारमेंट का हब बन सकता है तो यूपी क्यों नहीं और बंगाल क्यों नहीं, यह अवश्य बन सकता है। बांग्लादेश बन सकता है, बंगाल क्यों नहीं, या फिर उत्तर प्रदेश क्यों नहीं, ये अवश्य बनेगा। हमारे पास जो इस समय मैन पावर आया है इसमें एक बड़ी संख्या में वे लोग हैं जो टेलरिंग का काम ऑलरेडी करते हैं, हम इनको उसके लिए प्रशिक्षित करके आगे की तैयारी उसके साथ करने जा रहे हैं। यहाँ फूलों की खेती होती है, लेकिन मैं देख रहा था कि जिन लोगों को पहले से तैयार नहीं किया गया तो वे इस बात के लिए रो रहे थे कि फूल की उपयोगिता नहीं, लेकिन जबकि वे चाहते तो इसी फूल से इत्र भी बन सकता है, इसी से धूप और अगरबत्ती बन सकता है। आखिर वियतनाम से अगरबत्ती और धूप क्यों आएगी, उसका उपयोग उत्तर प्रदेश के अंदर भी हो सकता है। हम लोगों ने काशी विश्वनाथ मंदिर से जो पुष्प भगवान को चढ़ाए जाते हैं उन पुष्पों का उपयोग चंदौली के एक नक्सल बाहुल्य गांव को गोद में लेकर के किया। जितना पुष्प आता था उस पुष्प को उस गांव में उपलब्ध करा दिया जाता था और वहां की 116 परिवारों ने उन पुष्पों से इत्र बनाने का काम, धूप और अगरबत्ती बनाने का काम प्रारंभ किया। 116 परिवार की आजीविका अकेले काशी विश्वनाथ मंदिर से जो पुष्प चढ़ाए जाते हैं उन पुष्पों के माध्यम से चल रही है। ये एक बड़ा कार्य हर एक सेक्टर में हो सकता है, अलग अलग प्रकार के कार्य हो सकते हैं। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हर एक परिवार को स्वावलंबन की ओर भी अग्रसर किया जा सकता है और इसके साथ ही हम लोग उनको आगे बढ़ा सकते हैं। किसान उत्पादक संगठनों की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। खेती की विविधीकरण की भाषा के साथ साथ अन्य प्रकार के कार्यक्रम बहुत अच्छे आगे बढ़ सकते हैं। और मेरा यह मानना है जो आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत के बारे में बात प्रधानमंत्री जी ने की है, यह यहां से प्रारंभ होती है, गांवों से प्रारंभ होती है और भारत के MSME जो सेक्टर है इसकी स्ट्रेंथनिंग से होती है। और उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत समृद्ध है। हम लोगों ने पहले से ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी अभिनव योजना प्रारंभ की है। अब आश्चर्य करेंगे, हमारा एक्सपोर्ट 29% बढ़ा है। आज के दिन पर 1,16,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट अकेले यूपी करता है। इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने की जो हमारे पास अभी गुंजाइश है और आगे बढ़ाने की गुंजाइश है, ये सब हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में है, निहित है। हम लोग इसको और स्ट्रेंथन कर रहे हैं और इस कोरोना संकट में इसे एक अवसर के रूप में लेकर के और तेजी के साथ इसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे पास अभी 30-40 और प्रश्न हैं, परंतु दो प्रश्न मैं अंत में लेकर और पूरा करूंगा और चाहूंगा कि बाकी प्रश्न मैं आपके कार्यालय सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए ईमेल पर दूंगा। ये बंगाल से प्रश्न है और हमारे साथ में रतेंद्र मोहन बनर्जी हैं, देवजानी भट्टाचार्य जी हैं, दोनों का प्रश्न मैं रखता हूँ। रतेंद्र मोहन जी का कहना है, लिबरल और लेफ्टिस्ट समाज का ये आरोप है कि आपने अपना पूरा फोकस जो है COVID-19 को मैनेज करने पर लगा रखा है और मैनेज करने की बजाय राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण को प्राथमिकता देने पर लगा रखा है और इससे स्थिति बिगड़ रही है। रतिंद्र मोहन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आनंद बाजार पत्रिका के लिए लिखते हैं, इनका ये प्रश्न है। और साथ में ही देवजानी भट्टाचार्य जी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में पुलिस के ऊपर लोग हमला करते हैं और माइनॉरिटी बस्तियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता। अगर यही दोनों चीजें उत्तर प्रदेश में हो तो आप कैसे करेंगे? दोनों प्रश्न अलग अलग हैं थोड़े से, परंतु समय के अभाव के कारण मैंने दोनों प्रश्न साथ रखे हैं। तेजी, मैं अपने बंगाल से जुड़े हुए आनंद बाजार पत्रिका और अन्य जो हमारे जो
महत्व जो श्रीमान है उन सब मैं उनको हृदय से धन्यवाद दूंगा। देखिये हमारे लिए राम भी महत्वपूर्ण है, रोटी भी महत्वपूर्ण है, और राम और रोटी को साथ ले जाने का ही परिणाम है कि यूपी में सोशल डिस्टेंसिंग का अनादर कोई नहीं कर सकता है। यूपी में हर एक व्यक्ति उस कानून का पालन भी कर रहा है। यूपी में बंगाल की तुलना में मौत के आंकड़े भी कम है और संक्रमण भी बहुत आसानी से हमने नियंत्रित किया है। हमारे 2324 करोड़ की आबादी का राज्य, हम किसी को मना भी नहीं किए, हमने मना नहीं किया कि हमारे यहाँ किस कोई श्रमिक एक्सप्रेस नहीं आनी चाहिए। हमने कभी नहीं कहा कि कोटा से हम अपने बच्चों को नहीं लाएंगे। हमारे बच्चे जैसे वहां प्रदेश के बच्चों ने कहा कि हम यहाँ पे फंसे हैं, हमने अपनी गाड़ियां भेजी, उनको सबको उठा करके घर में पहुंचवा दिया, होम क्वारंटाइन में रखा, लगातार संवाद बना रहा। लेकिन हम अपने लोगों को मना नहीं कर सकते। हमने किसी को वोट बैंक नहीं बनाया, लेकिन संकट के समय सरकार उनके साथ में है। हमारी संवेदना, हमारी सहानुभूति, और हम हर संकट में उनके साथ खड़े होंगे। हमने अपने छात्रों के लिए, अपने युवाओं के लिए और अपने प्रवासी कामगारों के साथ खड़े होकर के इस बात को एक व्यवस्था दी। और दूसरा, हमने यहाँ पर किसी चीज की कमी भी नहीं होनी थी। 18 करोड़ लोगों को 5 बार फ्री में राशन उपलब्ध कराना, 32 लाख लोगों को अब तक भरण पोषण भत्ता दे देना, 86 लाख लोगों को पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा देना, ये सारी चीजें समयबद्ध ढंग से आगे चल रही हैं। रोजगार सृजन की कार्रवाई को आगे बढ़ाना, ये तभी हुआ है जब राम के प्रति हमारी आस्था है। हम ये नहीं कहते कि यानी कि हम राम को भूल करके किसी अन्य कार्य को नहीं कर सकते, इसलिए राम भी हमारे लिए महत्वपूर्ण, वो हमारी आस्था है। लेकिन साथ साथ हर एक व्यक्ति के लिए रोटी भी उतनी आवश्यक है, और रोटी का प्रबंध करना संकट के समय सरकार का कार्य है, और सरकार ने इस कार्य को बखूबी निभाया है, आगे भी इस कार्य को निभाएगी। जिन लोगों ने राम को बुलाया है वे न घर के हैं न घाट के हैं, उनकी स्थिति आप सब देख ही रहे हैं, उनकी क्या दुर्गति इस समय हो रही है, संभले नहीं संभल पा रहा है। हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, और मेरा ये मानना है कि 24 करोड़ की आबादी का देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश, तमाम चैलेंजेज आई हैं, आएंगी भी, पूरी तरह मजबूती के साथ इनका सामना करेगा, और उत्तर प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के हर नागरिक को सुरक्षा भी और उसके बेहतर और उत्तम स्वास्थ्य की व्यवस्था भी प्रदेश के अंदर करेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देश की बड़ी न्यूज एजेंसी से अभी आया है, पीटीआई से जतिन ठक्कर हमारे साथ हैं, उनका प्रश्न के साथ हम ये कार्यक्रम अभी का पूरा करेंगे, बाकी प्रश्न मैं ईमेल पर भेजूंगा। जतिन जी का पूछना है कि जो इतनी बड़ी संख्या में जो मजदूर कामगार श्रमिक जो आए हैं राज्य में, वो यदि सरकार की एक पर साथ में दूसरा प्रश्न आएगा, सामाजिक चीजों को आप कैसे देखेंगे? प्रश्न पूरा नहीं है पाए, प्रश्न थोड़ा रिपीट जी, करना पड़ेगा। जी प्रश्न के दो हिस्से हैं कि एक तो बहुत बड़ी संख्या जो श्रमिकों की आई है, कामगारों की उत्तर प्रदेश में, जब वो वापस अपने अपने राज्यों में जाने की स्थिति आएगी उनकी, तो एक उत्तर प्रदेश से अनुमति परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी, दूसरा उनके मन में सवाल होगा सोशल सिक्योरिटी का, इन दोनों चीजों को आप कैसे देखेंगे? देखिए हमने पहले कहा ना कि मैंने आज ही एक कमीशन के निर्माण की के लिए मैंने आदेश दिया है, और हम इनको सभी को सामाजिक सुरक्षा यानी को इनको बीमा कवर भी देने जा रहे हैं, और इनको रोजगार की व्यवस्था भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में ही जब उन्हें रोजगार प्राप्त हो जाएगा तो उनको फिर से कहीं और जगह जाने की नौबत ही नहीं आएगी, और हम लोग इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इनकी सबकी इसीलिए आते ही क्वारंटाइन सेंटर में इनकी स्किल इस मेडिकल स्क्रीनिंग के साथ इनका हम लोग स्किल मैपिंग भी कर रहे हैं, और स्किल मैपिंग के साथ हम लोग होम क्वारंटाइन का उनका पीरियड पूरा होते ही उनको रोजगार की व्यवस्था भी उनके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। देखिये पीएम पैकेज में एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की घोषणा हुई, उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने अगले दिन ही 57,000 लोगों को एक साथ ऑनलाइन लोन की सुविधा उपलब्ध कराई एमएसएमई सेक्टर के लिए।
मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में जितना बड़ा एमएसएमई सेक्टर है, हम केवल इसी को थोड़ा पुशअप कर लें तो आप देखना कि मैं 25 से 30 लाख प्रवासी कामगार को केवल एमएसएमई सेक्टर में ही इनका समायोजन यूपी में ही कर दूंगा। और ये स्थिति हम लोग पैदा कर चुके हैं, इसीलिए मैंने आज कमीशन बनाने की व्यवस्था की कि आगे से यूपी का कोई कामगार बाहर जाएगा तो हम उसको यूपी में ही रजिस्टर्ड करके और फिर उसको भेजेंगे और उसको हम सुरक्षा भी प्रदान करने की गारंटी लेंगे, जिससे आने वाले समय में दर दर की ठोकरियों से न खाना पड़े। बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। आपके अंतिम प्रश्न में एक ऋषि बागड़ी जी का और हमारे के ए बद्रीनाथ जी का, जो कि बहुत वरिष्ठ देश के अर्थशास्त्र से जुड़े हुए आर्थिक मामलों के जानकार पत्रकार हैं, फाइनेंशियल टाइम्स से जुड़े हुए हैं, उनका प्रश्नों का उत्तर भी इसमें मिला कि लाखों लोग जो आने वाले हैं उनके लिए आपकी क्या योजना है। आपने इसके साथ बहुत सारे आयामों पर प्रकाश डाला है और मुझे लगता है कि किसी एक छोटे राज्य के मॉडल की जो चर्चा होती है, किसी एक जिले के मॉडल की चर्चा होती है, ऐसे में दुनिया के सामने उत्तर प्रदेश, जो अगर स्वरूप देखें तो जैसे भारत विविधता का एक देश है, वहां पर चुनौतियां अलग तरीके की हैं, उत्तर प्रदेश एक छोटे भारत का नमूना हमारे सामने है और उत्तर प्रदेश मॉडल, उसमें समझने के लिए बहुत कुछ है, बताने के लिए बहुत कुछ है, इस चुनौती को अवसर में बदलने की बहुत सारी कहानियां हमारे सामने आई हैं। बहुत सारे प्रश्नों का आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया, कुछ और प्रश्नों को आपके साथ हम साझा करेंगे और आने वाले अंकों में हम सभी पोर्टल से आग्रह करेंगे कि ये जो चीजें आई हैं वो लोगों के पास तक जाएं, तो ये उत्साह की कहानियां हैं, प्रशासन की कहानियां हैं, पारदर्शिता की कहानियां हैं और संकल्प की कहानियां हैं। इन चीजों को यदि हम समाज के बीच में ले जाएंगे तो संक्रमण के विरुद्ध जो युद्ध अभी चल रहा है वो मुझे लगता है कि वो उस मोर्चे पर विजय निश्चित ही भारत की होगी। इसके साथ ही मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, तकनीकी टीम का बहुत धन्यवाद करता हूँ और उन विभूतियों का, उन बड़े मान्य पत्रकारों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपने अतिव्यस्त समय में से समय निकालकर और हर तरीके के प्रश्न उस राज्य के मुख्यमंत्री से पूछे जो सबसे ज्यादा चुनौतियों से और सबसे ज्यादा चुनौतियों के बीच सजगता से सफलता का मंत्र इबारत लिख रहे हैं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार। धन्यवाद जी, नमस्कार। नमस्कार, बहुत।